हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये है थर्ड वीडियो जावा एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट सीरीज का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे आप ड्रॉपलेट को क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप ड्रॉपलेट में स्टैटिक और रिजर्व आईपी को असाइन कर सकते हैं एंड उस ड्रॉपलेट को कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं थ्रू फायरवॉल रूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टैटिक आईपी एनेबल करने के लिए आपको ड्रॉपलेट के अंदर जाने के बाद नेटवर्किंग सेक्शन में जाना पड़ेगा, देन आप रिजर्व आईपी को एनेबल कर सकते हैं। तो चलिए एनेबल नाउ में क्लिक करते हैं एंड आफ्टर दैट असाइन करते हैं रिजर्व आईपी। रिजर्व आईपी आप रीअसाइन एंड डिलीट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। Now it's time to set up firewall rules. Let's start configuring the firewall. फिर से नेटवर्किंग मेनू में क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आपको फायरवॉल का ऑप्शन दिख जाएगा। क्लिक ऑन एडिट टू क्रिएट फायरवॉल कॉन्फिगरेशन। क्रिएट फायरवॉल में क्लिक करके फायरवॉल को क्रिएट कर सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी फायरवॉल रूल्स क्रिएट करके रखा है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। बेसिकली दोस्तों, हम इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल डिफाइन कर सकते हैं फायरवॉल्स में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वही पोर्ट ओपन करना है जो आपके प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आपने दोस्तों ऑल पोर्ट्स को ओपन करके रख दिया है तो ये हाई सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट के लिए। धीरे धीरे मैं जितना आगे बढ़ूंगा इस प्रोजेक्ट में, उतना ही आपको क्लियर हो जाएगा मैंने ये सारा पोर्ट्स क्यों ओपन किया है। 22.80.443 ये तो बेसिक पोर्ट्स है फॉर SSH, HTTP, HTTPS कनेक्शंस के लिए। इफ़ यू वांट टू ऐड फायरवॉल रूल्स विद ए ड्रॉपलेट, आपको ड्रॉपलेट टैब में जाने के बाद ऐड ड्रॉपलेट बटन में क्लिक करके उस ड्रॉपलेट को सर्च करके सिलेक्शन करना पड़ेगा। दैट्स इट। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे हम ड्रॉपलेट पर स्टैटिक आईपी असाइन कर सकते हैं एंड फायरवॉल रूल को सेटअप कर सकते हैं। फायरवॉल रूल की मदद से हम इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।